कश्मीर में निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह से संबंधित कई ठिकानों पर एनआईए ने की छापेमारी। कोझिकोड विमान हादसा रनवे को लेकर डीजीसीए ने पिछले साल दी थी चेतावनी। 50% प्रभावी होने पर भी लोगों को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। नोएडा में 400 बेड का नया कोविड अस्पताल, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। राजस्थान में वसुंधरा गुट के 12 विधायक भेजे गए गुजरात, 14 अगस्त है विधानसभा सत्र। चीन से तनाव के बीच आईएएफ के वाइस चीफ ने किया लद्दाख का दौरा, अलर्ट पर रहने को कहा। आज शादी के बंधन में बंधेंगे राणा दगुबाती और महिका, वह तेलुंगा और मारवाड़ी परंपरा से होगी शादी। आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 36 स्कूली छात्रों से करेंगे बातचीत। गिरीश चंद्र मुर्मू बने देश के नए सीएजी, गांधी अंबेडकर को नमन कर संभाला पदभार। राजस्थान सरकार गिराने की साजिश का दावा फुस, एसओजी ने माना नहीं बनता कोई केस। रूस बनेगा पहली कोरोना वैक्सीन लाने वाला देश, 12 अगस्त को रूसी सरकार देगी मंजूरी।